स्पीक कुक के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस किचन में ब्रेड से बने दही बड़े बनाना सीखेंगे। ब्रेड के दही बड़े बनाना बहुत ही आसान है, हम इसे बहुत आसानी से मात्र 10 मिनट में बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। जब भी जल्दी से दही बड़े खाने का मन हो हम ब्रेड के दही बड़े बना करके खा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ब्रेड के दही बड़े। ब्रेड के दही बड़े बनाने के लिए हमने ये ब्रेड ली है, हमने यहाँ पर ये आटे वाली ब्रेड ली है। इस ब्रेड को हम किसी भी बर्तन से गोल काट लेंगे। इस तरह से हम सारी ब्रेड को गोल काटेंगे। इस तरह से हमने ब्रेड को गोल काट लिया है और ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स निकले हैं इनसे हम कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। ब्रेड के कॉर्नर से बहुत सारी रेसिपी बनती है। हम यहाँ पर ब्रेड के स्टफ्ड दही बड़े बना रहे हैं। इसके हम एक बर्तन में ये मिल्क पाउडर लेंगे, ये हाफ कप मिल्क पाउडर है। आप मिल्क पाउडर की जगह मावा, खोया ये यूज कर सकते हैं। मिल्क पाउडर में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर किशमिश का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून मिल्क मैंने डाला है। इससे हम इसको मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर दूध की आवश्यकता आपको और लगे तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 टेबल स्पून दूध में हो गया है। तो थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम ये एक बर्तन में पानी लेंगे, ये हम स्टफ्ड दही बड़े बना रहे हैं इसलिए हम ये एक ब्रेड लेकर के उसके बीच में ये मिल्क पाउडर रख देंगे। इसमें खोया भी बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से हम ऊपर से इसको बंद कर देंगे, चारों तरफ से ये दबाएंगे ताकि ये मिल्क पाउडर बाहर ना निकले। इस तरह से हमें इसे दबाना है। अब यहाँ पर हल्का सा पानी है, अपने हाथों में हल्का सा पानी लेकर के इसको दबाना है ताकि जब हम इस ब्रेड को डीप फ्राई करें तो इसमें ऑयल ना भरे। आप इसको ऐसे डिप भी कर सकते हैं, डिप करने के बाद तुरंत इसे बाहर निकाल लेना है। इस तरह से, लेकिन किनारे से बहुत अच्छे से दबाना है ताकि मिल्क पाउडर बाहर ना निकले। आप सादे दही बड़े भी बना सकते हो, आप इसमें स्टफिंग ना करके सिंगल ब्रेड को इस तरह से पानी में करके और डीप फ्राई कर सकते हैं। तो ऐसे सादे दही बड़े बन जाएंगे, लेकिन ये स्टफ्ड दही बड़े हैं। इस तरह से हम सारे दही बड़े बना लेंगे। ये बड़े तैयार हो गए हैं। अब हम एक बर्तन में ये 1/2 kg मैंने दही लिया है, ये दही काफी गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। इस दही में हम तड़का लगाएंगे, जीरा हींग का तड़का। तड़का लगाने के लिए हमने एक चमचे में ऑयल लिया। अब ऑयल जब ये हीटअप हो जाएगा तब हम ये 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड इसमें डाल देंगे। ये क्यूमिन सीड के हल्का रोस्ट हो जाने पर हम इसमें 1/4 टेबल स्पून हींग डाल देंगे। ये 1 टेबल स्पून हींग है और हींग के डालते ही हम गैस को बंद कर देंगे और इस तड़के को हम इस दही में डालेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। और इस दही में हम ये ग्रीन चिली डालेंगे। आप ग्रीन चिली की जगह रेड चिली का भी यूज कर सकते हैं, ये 2 ग्रीन चिली है।
ये कोरिएंडर है, कोरिएंडर लीव हम ये इसमें डाल देंगे। सॉल्ट हम स्वाद अनुसार डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये दही बड़ी के लिए दही तैयार हो गई है। अगर आप जीरा हींग का तड़का ना लगाना चाहें तो आप रोस्टेड जीरा और सौंफ का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। अब हम एक पैन में ये ऑयल लेंगे। ऑयल के अच्छे से हीट अप हो जाने तक हमें वेट करना है। जब ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इन बड़ों को इसमें डीप फ्राई करेंगे। अब हम इन बड़ों को इसमें डीप फ्राई करेंगे। ये बड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब ये दही भी रेडी है, दही बड़ों के लिए, और ये बड़े भी रेडी हैं। अब ये प्लेटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। ये खाने के लिए एकदम रेडी है। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्रेड के दही बड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाकर भी ट्राई जरूर करिएगा। आपको ये खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। आपको दही बड़े मीठी दही के साथ पसंद है तो आप इसे मीठी दही के साथ बना सकते हो। आपको नमकीन दही के साथ पसंद है, आप नमकीन दही के साथ ये दही बड़े बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप इन दही बड़ों को बनाने से पहले 5 मिनट पहले दही में भिगोएं तो ये दही बड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप ज्यादा देर पहले इन्हें दही में भिगो देंगे तो ये बहुत ज्यादा फूल जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि खाने से 5 मिनट पहले ही इन्हें दही में भिगोएं और दही बड़ों का एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी लेकर के आपके लिए आती रहूंगी। जल्दी ही मिलेंगे।